वेलकम बैक टू रिचार्ज मैनर दोस्तों घर शिफ्ट करने के बाद नए घर में मुझे कपड़े फैलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी बालकनी में ही मुझे रेलिंग पर डालने पड़ रहे थे कपड़े और ऊपर का घर होने की वजह से यहाँ पे हवा भी बहुत थी और उसकी वजह से मुझे टेंशन होती थी कि कपड़े कहीं उड़कर नीचे ना चले जाएं इसीलिए मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया है अमेजन के ही ब्रांड सोलिमो का ये थ्री लेयर वाला क्लोथ ड्राइंग स्टैंड जो कि मैंशन किया हुआ है कि स्टील डबल सपोर्टेड है ये और फोल्डेबल uh, होता है तो मैंने सोचा चलो मंगा लेते हैं और तीन लेयर वाला मैंने इसीलिए मंगाया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद दो लेयर का मंगाऊंगी तो मुझे छोटा ना पड़ जाए तो चलिए देखते हैं कि कैसा मुझे रिसीव हुआ है पैकेजिंग आपने देख ली ये एक कार्डबोर्ड के पैकेजिंग में ये आया है और अंदर इस तरीके से ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं तो एक, एक पार्ट मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा रही हूँ कि इसमें आता क्या क्या है तो ये तीन तीन रॉड के जो ये फिंस हैं एक तरीके के जिसमें हम कपड़े फैलाएंगे और ये हमें मिले हैं छः तीन एक साइड के तीन एक साइड के ये बीच में आपको जो है नीचे का जो सपोर्ट जिसमें आप सारी चीज़ें अटैच करोगे वो हो गए दो ग्रीन वाले साथ में व्हील्स आ गए और तीन तरीके के हमें इसमें रॉड्स मिलते हैं और ये दो साइड में आप देख रहे हो इसमें होल्स बने हैं इसमें आप हैंगर में अपने कपड़े टांग सकते हो फैला सकते हो और ये जो ग्रीन अटैचमेंट है ये सारी चीज़ों को फिक्स करने के लिए एक दूसरे से अटैच करने के लिए हैं और कुछ स्क्रू एंड उसके बोल्ट मिले हुए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों ही साइज के जो पाइप्स मिले हुए हैं उसमें ए बी सी लिखा हुआ है और जो और पार्ट हैं जहाँ पर इनको फिक्स करना है उस जगह पर भी आपको ए बी सी लिखा हुआ मिल जाएगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो इसको कहाँ पर यूज़ करना है इसके साथ एक मैनुअल भी मिलती है जिसको पढ़ पढ़ कर आप इसको अच्छे से अरेंज कर सकते हो बट हम लोग फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें हमने स्टार्ट तो कर दिया था वीडियो बनाना इसलिए मैंने अपने बेटे को भी बुला लिया था कि दो लोग रहेंगे तो हेल्प हो जाएगी और चूँकि ये थ्री लेयर वाला है तो मतलब थोड़ा सा बड़ा था और इसको अरेंज करना भी अब आप देखोगे कि जितना आसान लोग बताते हैं मैंने कई सारे वीडियोज़ देखे थे यूट्यूब पर भी कि बहुत ईजी होता बहुत ईजी होता है तो बस हम स्टार्ट कर रहे थे और देखते हैं कितना ईजी होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा जो इसका ये सबसे बॉटम वाला अटैचमेंट है जिसमें सारे ही अटैचमेंट फिट होंगे वो थोड़ा सा टाइट लग रहा था जो इसका मतलब प्लास्टिक होता है तो मुझसे नहीं लग रहा था तो मैंने बेटे को बोला कि थोड़ा अच्छे से वो लगाए <laughs> तो मुझे वेट करना पड़ रहा था इतनी देर तो ये अटैच हो जाता है इसके बाद इसमें मेंशन किया हुआ था कि आप व्हील्स लगा सकते हो तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा जोर देना पड़ रहा था बट डर लग रहा था कि प्लास्टिक है कहीं ऐसा न हो ज़्यादा ज़ोर लग जाए और ये टूट जाए तो बस ये किसी तरीके से अटैच हो गया और इस तरीके से हमने आ, दूसरी जो उसके व्हील्स थे उसका पैकेट भी खोल लिया है तो इसके व्हील्स जो थे इसमें जितनी छोटी छोटी सी कहते हैं ना वो स्टील का रॉड टाइप की लगी हुई थी तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि शायद ये पूरी रॉड जाएगी बट वो हाफ़ ही जाएगा अंदर तक उसमें जो उसका जो है जगह बनी हुई है व्हील्स लगाने की तो उसके लिए आप ज़्यादा मशक्क़त मत कीजिएगा अगर आप मंगाते हैं तो क्योंकि ये हाफ़ जो है दूरी तक ही अंदर जाता है इसके बाद इसको सीधा कर देंगे और इसके बाद बाकी के अटैचमेंट हम इसमें अरेंज करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर मैंने जो बी जो है अल्फाबेट अल्फा वाले रॉड्स थे उनको निकाल लिया है और इसको ये साइड में दो दो जो है जगह बनी हुई थी उसमें इसको लगाना है क्योंकि ये थ्री लेयर वाला है तो इसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है इसलिए यहाँ पर साइड में दो दो रॉड्स आपको मिल जाती हैं इसके बाद जो ये अटैचमेंट है इसको लगाना है और आप ये देखिएगा कि इसका जो है जो फेस है वो नीचे की तरफ हो जो इसका वी शेप आता है ना वो नीचे मुँह किए हुए होना चाहिए हम लोगों से एक जगह पर गलती हो गई थी तो वो आप मत करिएगा तो वरना फिर से खोलना पड़ सकता है और मेहनत आपकी बढ़ सकती है तो ये हो गया इसके बाद जो बीच में और सी नंबर वाले सी अल्फ़ाबेट वाले जो है रॉड थे उनको बीच में इन दोनों के लगाना है और ये जो काम था ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा था क्योंकि ये जो दोनों पतले वाले रॉड थे ना ये अटैच ही नहीं हो पा रहे थे ढंग से एक तरफ लगाओ तो दूसरी तरफ का निकल रहा था फिर उसको सही करो तो पहली तरफ का निकल रहा था तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम इस वाले में आ रही थी इसके बाद से वापस से बी वाले जो अल्फ़ाबेट वाले रॉड थे उनको फिर से लगाना था अटैचमेंट के ऊपर दो दो रॉड साइड में और लगेंगे और बस थोड़ा सा फिट करने में टाइट लग रहा था मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा हार्ड सा इसका प्लास्टिक है और जगह भी थोड़ी सी कम सी लग रही थी तो बहुत ज़्यादा घुमा घुमा कर इसको दबा कर लगाना पड़ रहा था इसके बाद से मैं वापस से चेक कर रही हूँ कि क्या क्या आगे और दिया हुआ है कैसे लगाना है तो बस वही तरीका है जैसे आप फर्स्ट मतलब जो रैक वाला हिस्सा सेट करते हो उसी तरीके से दूसरा और तीसरा रैक भी आपको उसी तरीके से सेट करना है बट आप देख रहे हो जैसे मैं बता रही थी ना कि जो बीच वाली सी अल्फ़ाबेट वाली रॉड है पतली वाली वो बार बार निकल जा रही थी तो एक तरफ हम लोग सही कर रहे थे दूसरी तरफ निकल रही है अभी हमने देखा नहीं नीचे कि वो निकल चुकी है दूसरी वाली हम लोग सेट कर रहे हैं तो ये मतलब मुझे थोड़ा सा मतलब ये वाला जो पार्ट था थोड़ा सा मुश्किल लगा इतना भी आसान नहीं लगा जितना आसान आ, समझते हैं हम लोग कि हो जाएगा बट बस सारी चीजें एक साथ जोड़ दोर हो गया तो करीब एक से डेढ़ घंटे करीब हम लोगों को लग गए थे और चूँकि फर्स्ट टाइम भी था ऐसा नहीं है कि जैसे एक बार यूज़ कर लिया कोई चीज़ तो आप नेक्स्ट टाइम अच्छे से याद आ जाती है कि कैसे क्या करना है तो हर चीज़ हम लोग पढ़ पढ़ के कर रहे थे तो अभी ये बार बार रॉड निकल रही थी तो हम लोगों ने सोचा चलो इसको साइड में करके थोड़ा सा इस तरीके से दबाते हैं शायद ये रॉड अंदर तक नहीं जा रही पूरी तरह से इस वजह से ये निकल रही है बट ऐसा कुछ नहीं था वो बार बार अपने आप ही निकल रही थी क्योंकि वो फ़िक्स नहीं हो पा रही थी उसमें ढंग से तो बस ये भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसे करने के बाद भी इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ जाए कि जो प्लास्टिक है वो कहीं से क्रैक हो जाए तो बस हल्के हल्के हाथों से हम लोग उसको प्रेस करके अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे और मशक्क़त तो खैर करनी पड़ी इस वाले काम में काफ़ी ज़्यादा बाकी काम इतना मुश्किल नहीं था बट ये बीच वाली रॉड जो है <laughs> बार बार मैं बोल रही हूँ कि इसने बहुत परेशान किया हम लोगों को तो ये आ, फिक्स हो गई है दो लेयर तक की और ये हम लोग उठाकर अब चेक कर रहे हैं कि अभी सही है कि नहीं अब देखो यहाँ से ये यह निकल गया तो मतलब वही ना कि थोड़ा सा फ़िक्स होने में प्रॉब्लम आ रही थी उतने अच्छे से ये मतलब एक ही बारी में फिट नहीं हो रहा था कि लग रहा था कि कैसा है कि एक बार में सेट ही नहीं हो पा रहा है कुछ तो ये सेट किया अभी देखो वो वाली रॉड निकल गई बीच वाली तो ये कुछ ना कुछ ये चल ही रहा था तो अब हम लोगों ने इसके जो फिन्स होते हैं वो निकाल लिए और इस तरीके से इसको फ़िट करना है इसमें जो स्क्रू दिए हुए हैं लंबे लंबे से वो इस साइड में आपको दिखाई देगा एक होल है जहाँ पर इसको इंसर्ट करते हैं ये ग्रीन वाले अटैचमेंट में वहाँ पर से आपको बाहर से अंदर की तरफ स्क्रू इस तरीके से जो इंसर्ट करना है और उसके बाद इसका जो है लगा देना है इसको टाइट कर देना है दोनों स्क्रू एंड बोल्ट दिए हुए हैं तो उससे आप इसको दोनों तरफ से टाइट कर दीजिए इसमें भी एक मतलब वो ध्यान रखिएगा जब ये फिंस लगाते हैं तो इसमें एक साइड में हल्का सा तिकोना सा निकला हुआ प्लास्टिक होता है जो हंदर की तरफ इंसर्ट करते हैं यहाँ पर प्लास्टिक में वो हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए और ऊपर रखोगे आप तो वो ढंग से जो है लगेगा नहीं मतलब जब आप उसको फिट करोगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल जैसे ये देखो बेटा लगा रहा है इसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी ये जो ऊपर निकला हुआ हिस्सा है ये हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए ऊपर की तरफ नहीं और इससे भी आप पहचान सकते हो कि यहाँ पर स्क्रू लगा होगा तो स्क्रू का मुंह नीचे होना चाहिए फेंस के अंदर जो स्क्रू लगे हैं तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है तो इससे थोड़ा टिकाने के लिए उसको नीचे साइड में ही रखना होता है तो इसी तरीके से साइड साइड में जो है दोनों तरफ हम स्क्रू लगाते जाएंगे और हमारे फिंस इसमें लगकर तैयार हो जाएंगे काम बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है बट अगर ये आसानी से हो जाए तो जल्दी हो जाता है इसमें थोड़ी सी वही प्रॉब्लम आ रही थी जो चीज़ें बार बार से निकल जा रही थी लग नहीं पा रही थी और एक बार सेट करने के बाद निकल रहा था तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी और कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मैंने थ्री जो है लेयर वाला इसीलिए मंगाया था जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि कपड़े फैलाने में कम पड़ जाएं क्योंकि इसके जो रॉड्स हैं ये बहुत ज़्यादा चौड़ाई में नहीं रहते हैं आ, मतलब लंबाई में नहीं रहते हैं कि आप एक साथ दो कपड़े एक रॉड में फैला सको मैंने जैसे यूट्यूब पर और भी वीडियोज़ देखे थे तो एक ही कपड़ा आप एक जो है रॉड पर फैला सकते हो या बहुत थोड़ी सी जगह और बचती है जिसमें आप छोटी मोटी कोई चीज़ें फैला सकते हो तो इस वजह से मुझे टेंशन हो रही थी कि क्या मैं दो लेयर कर लूँ कहीं ऐसा ना हो कि वो छोटा पड़ जाए बट ये काफ़ी ज्यादा बड़ा था आप देख सकते हो कि ऊंचा बिल्कुल मेरे सर से भी ऊंचा जा रहा है इतना ज्यादा ऊंचा हो रहा था कि लग रहा था कि मतलब बहुत बड़े फैमिली के लिए ये थ्री लेयर वाला रैक है तो मुझे ऐसा लगता है कि दो लेयर वाला रैक मेरी फैमिली के लिए काफ़ी है मतलब जब मैं कपड़े धोती हूँ तो जो बड़े कपड़े हैं वो करीब चौदह पंद्रह हो जाते हैं और छोटे कपड़े जो हैं वो सात आठ हो जाते हैं तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप चाहें तो दो लेयर वाला भी परचेज कर सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा कपड़े आ जाते हैं दूसरी बात कि इसमें जैसे तीन जो है वो रॉड्स लगी हुई हैं पिंस में और बीच में दो रॉड हैं तो आप एक आपके एक जो है पूरी लेयर में करीब आठ कपड़े फैल जाते हैं आराम से और यहाँ पर देखो गड़बड़ हो गई जो ऊपर वाला अटैचमेंट है वो बेटे ने मेरे लगाया था वो गलती से जो उसका ऐसे वी वाला शेप है वो ऊपर साइड में हो गया था उसकी वजह से क्या है कि आप फिंस लगाने में आपसे मुश्किल होएगी मतलब होएगा ही नहीं मुश्किल क्या होएगी वो लगेगा ही नहीं क्योंकि वो जब नीचे साइड में इसका मुँह रहेगा जैसे आप देख रहे हो ना ये नीचे साइड में ऐसे तिरछा किए हुए हैं तो ये ऊपर नहीं होना चाहिए इसका मुँह नीचे होना चाहिए तो वो फिंस आपके तभी उसमें अटैच हो पाएंगे जब इसका मुँह नीचे होगा तो मैं आपको क्लोजअप दिखा रही हूँ यहाँ पर कि इस तरीके से यहाँ पर जगह रहती है और इसके बीच में हमें इनफिनस को जो है अटैच करना है इस तरीके से इंसर्ट करना है और फिर बाहर से इस तरीके से पेंच लगाकर इसको टाइट कर देना है अंदर से तो ये आ, मैं बता रही थी कि जैसे अगर आपकी बहुत बड़ी फैमिली है तो फिर आप ये थ्री लेयर वाला रैक लीजिए और, और अगर आप जैसे मैंने बताया कि चौदह पंद्रह कपड़े बड़े होते हैं तो काफ़ी रहता है अगर आप छोटा वाला रैक लेते हैं यानी दो लेयर वाला रैक लेते हैं तो भी काफ़ी रहता है तो साइड uh, में भी आप देख रहे हो ये जो अटैचमेंट uh, है इसमें भी करीब सात सात होल्स हैं तो इसमें आप एक साइड में सात शर्ट दूसरे साइड में सात शर्ट या टी शर्ट कुछ भी फैला सकते हो हैंगर में करके जो बहुत ही आसानी uh, से फैल जाती हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं आठ आठ सोलह और आठ चौबीस कपड़े आप बीच में फैला सकते हो सात सात चौदह कपड़े आप किनारे फैला सकते हो तो ये जो है बहुत बड़ी फैमिली के लिए अच्छा रहता है बट जित छोटी फैमिली है या कम कपड़े रहते हैं तो उसके लिए आप अगर दो लेयर वाला रैक लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा और मुझे भी लग रहा था कि मुझे आ, मैंने ये बड़ा वाला रैक लेके गलती कर दी है बट फिर भी मैं भी कपड़े फैलाकर आपको दिखाऊंगी कि कितने कपड़े आ रहे हैं इसमें और क्या क्या फैल सकता है इसके अंदर मतलब कि कई बार होता है ना कि हमारे पास जो बेड शीट्स भी होती हैं और पर्दे भी होते हैं बड़े बड़े कपड़े होते हैं तो उनको किस तरीके से आप इसमें फैला सकते हो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी तो ये हमने सही कर लिया जो गलत लग गया था जो अटैचमेंट वो सही कर लिया है और ये लास्ट वाला फेन भी लग रेडी हो चुका है तो अब मैं आ, मैंने जो कपड़े वगैरह थे धो के रख लिए थे और चूँकि हम लोग ये थोड़ा सा मतलब पुराना सा वीडियो है एक महीने करीब हो गए हैं मुझे ये वीडियो शूट किए हुए और तब हम लोग नए नए ही शिफ्ट हुए थे इस घर में तो आ, जैसे मैंने बताया कि कपड़े वगैरह फैलाने में डर लग रहा था एक आध बार तो हवा की वजह से कपड़े एक दूसरे से सट गए बीच में जगह हो गई तो मुझे ऐसे लगा कि शायद नीचे कोई जो है कपड़ा उड़ गिर गया है लेकिन बचा था ऐसा नहीं हुआ था बच गए थे बट फिर भी ये डर लगा रहता था कि कब तेज़ हवा चल जाए और कब कपड़े नीचे उतर गिर जाए तो ये रैक उसके हिसाब से बहुत अच्छा रहता है एक तरफ आप इसको कर दीजिए और आराम से सारे कपड़े एक ही जगह पर आपके फैल जाते हैं और सूख जाते हैं तो ये देखिए रेडी हो चुका है कितना बड़ा है ये और मैंने देखिए पीछे काफ़ी सारे कर्टन भी धोकर रखे हुए हैं मतलब काफ़ी दो तीन बार एक ही दिन में कपड़े धुल रहे थे उस समय तो काफ़ी सारे जो है कपड़े इकट्ठा हो गए थे तो मैं यहाँ पर अब एक और चीज़ चेक कर रही हूँ क्योंकि जो है इसके मैनुअल में, में मेंशन था कि आपको जो व्हील्स हैं उसके ऊपर कहीं साइड में जो स्क्रू टाइट करना है तो वही हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पर कहीं स्क्रू टाइट करने की जगह है तो यहाँ पर हमें कोई जगह नहीं दिखाई दी बट मैंशन किया हुआ था बुकलेट में यहाँ पर कोई भी जगह नहीं थी तो हमने फिर इसको छोड़ दिया ऐसे ही बट यही डर लग रहा था कहीं ऐसा ना अपने आप से ये जो व्हील्स हैं ये निकल जाए बट टाइट करके हमने इसको ऐसे ही खड़ा कर दिया तो ये मैं सारे फिनस अब इसके ऐसे टाइट कर रही हूँ जब आपको ज़रूरत ना हो तो आप इसको नीचे गिरा सकते हैं जैसे अभी ये गिरा हुआ है और वरना जब फैलाने हो तो आप इस तरीके से इसको सीधा कर सकते हैं तो चूंकि ये नया नया जो है रैक था तो मैंने सोचा चलो इसको एक बार अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ एक सूखे कपड़े से और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए मेन्शन किया हुआ अल्फ़ाबेट ये बी है तो यहाँ पर आपको जो है बी का रॉड इस जगह पर फिट करना है और यहाँ पर साइड में सी लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको सी का रॉड फिट करना है तो सारा कुछ डिटेल्स मैंशन रहते हैं, ये देखो यहां पर ये फिन जो है ये गलत लग गया था जो इसमें स्क्रू दिख रहा है ये ऊपर साइड में दिख रहा है ये नीचे साइड में होना चाहिए तो बस ये तैयार हो गया है और अब मैं जा रही हूं इस पर कपड़े फैलाकर चेक करने के लिए कि आ, कैसे होता है क्या होता है अभी मैं आपको अगर इसका रिव्यू देना चाहूं चूँकि मैं काफ़ी टाइम हो चुका है इसको मैं उस समय इस्तेमाल करके देख चुकी थी तो आ, मुझे थोड़ा सा ये फ्लमज़ी सा लग रहा था क्योंकि काफ़ी बड़ा रैक था और अगर इस पे आप पूरे पे कपड़े फैला देते हो तो काफ़ी हैवी हो जाता है कपड़ों की वजह से उसके बाद से इसको थोड़ा मूव करना करने से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दिक्कत आ सकती है वैसे मैंने इसको इतना यूज़ करके नहीं देखा है क्योंकि मैंने इसको रिटर्न कर दिया था मैं अभी आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगा और थोड़ा सा फ्लमज़ी भी लगा यहां पर आप ध्यान देने वाली बात है कि जो बीच की रोड है उस पर आप भारी कपड़े लटकाइए जैसे कि मैंने अभी जो जींस थी उसको बीच में जो है फैला दिया है और जो भी भारी कपड़े हैं बीच वाले पे पर साइड में आप किनारे पर थोड़े हल्के वाले कपड़े करिए फैलाइए अब यहाँ आप देखिए कि मैंने यहाँ पर ये पर्दा ले लिया है उसको फ़ोर फोल्ड कर लिया है और उसके बाद इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से फैला रही हूँ तो इसमें आप चाहें तो अगर नीचे कपड़े ज़्यादा नहीं फैले हुए हैं तो आप लंबे में भी फैला सकते हैं नीचे वाले फिंस को बंद कर दीजिए और ऊपर वाले पे पर पर्दे पर पर के पर्दों को या फिर जो बेडशीट्स हैं उनको इस तरीके से लंबे में फैला सकते हैं बट नीचे अगर कपड़े हैं तो आपको इस तरीके से फ़ोर फ़ोल्ड करके ही फैलाने पड़ेंगे आपकी बेडशीट्स या फिर पर्दे तो जैसे मैंने बताया कि मैंने इसको रिटर्न कर दिया है क्योंकि मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा था और इतने कपड़े फैलाने के बाद भी काफ़ी जगह बची हुई थी जो मे मुझे लग रहा था वेस्ट हो जाएगा और इतना बड़ा जो ये रैक है उसको यूज़ करना मुझे थोड़ा सा मतलब अनइजी सा लग रहा था तो ये मैं बता रही हूँ कि कितनी कितनी जगह यहाँ पर है दोनों तरफ साथ, -साथ जो है होल्स हैं जहाँ पर आप जैसे मैंने बता दिया है आपको कि फैला सकते हो आप चीज़ें तो अगर आपको नीड है इतने कपड़े फैलाने की आपका बड़ा परिवार है तब आप ये तीन रैक वाला जो है क्लोथ ड्रायर जो है ऑर्डर कीजिए वरना आप दो लेयर का ही करिए वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है तो इसको रिटर्न करके मैंने आ, सेम ब्रांड का नहीं बट दूसरे ब्रांड का दो रैक वाला जो है क्लोथ ड्रायर मंगवाया है वो मुझे काफ़ी ज्यादा पसंद आ रहा है और मैं उसका भी रिव्यू एंड डेमो बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी अपने चैनल पर तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप उसे जब चाहें देख सकते हैं एंड ये बिल्कुल फ्री है तो वैसे मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको नीड है तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं ऐसी कोई ख़राबी नहीं है बट मुझे ओके ओके लगा अपने काम के हिसाब से मुझे उतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगा तो फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो में तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हेल्पफुल लगा है तो थैंक यू सो मच